हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आप जीरोधा में ऑनलाइन घर बैठ के 10 मिनट के अंदर कैसे डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नेक्स्ट दिन से आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक भी स्टेप स्किप नहीं करूंगा, स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस आपके सामने लाइव में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का जरूरत है वो एक नजर देख लेते हैं। फर्स्ट, आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, कैंसिल चेक होना चाहिए। बहुत इजी होता है, चेक का बीच से दो लाइन मार दीजिए और मिडिल पे लिख दिए कैंसिल चेक। अगर आपको कैंसिल चेक नहीं है तो बैंक का स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। अगर आपको बैंक का स्टेटमेंट भी नहीं है तो आपका पासबुक का फ्रंट पेज का फोटो भी दे सकते हैं। तो उसका तो बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ ये कंपलसरी नहीं है, आपको नहीं देने से भी चलेगा, तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं। उसका 5 नंबर पासपोर्ट साइज फोटो, ये अगर आपके पास इसको भी नहीं देने से चलेगा तो आपको चाहिए स्कैन सिग्नेचर, एक सादा कागज के अंदर आप उसका अपना सिग्नेचर करके उसका फोटो खींच लीजिए, तो इतना डॉक्यूमेंट्स का जरूरत है। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा, आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखिए, आप जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखिए एक लिंक आपको दिखा दे रही है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। लिंक पे दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो खुल जाएगा। विंडो पे आपका जो फोन नंबर है, जिस फोन नंबर से आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, उस फोन नंबर यहां पे पहले टाइप कर लीजिए। तो फ्रेंड, फोन नंबर मैं टाइप कर चुका हूं। फोन नंबर टाइप करने के बाद अब जो कंफर्म बटन देखने को मिल रहा है, इस कंफर्म बटन में क्लिक करिए। तो फ्रेंड, कंफर्म करने के बाद देखिए आपके पास एक ओटीपी चला गया, जिस फोन नंबर आप टाइप किया उस फोन नंबर पे एक ओटीपी गया 6 डिजिट का। चलिए मैं ओटीपी टाइप कर लेता हूँ। तो फ्रेंड देख लीजिए, मेरा ओटीपी आ गया है, मैं ओटीपी यहाँ पे टाइप कर चुका हूँ। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, कंफर्म बटन में क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मैं कंफर्म कर चुका हूँ, चलिए हो गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपका फुल नेम और मेल आईडी, देखिए आपके सामने मैं मेरा फुल नेम और मेल आईडी डाल देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, आपके सामने मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ दोस्तों, देखिए मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ। मेरा नाम यहाँ पे लिख दिया हूँ और मेरा मेल आईडी, आप भी नाम और मेल आईडी लिख दीजिए। लेने के बाद कंफर्म करिए, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। देखिए एक भी स्टेप आपको स्किप कर नहीं करूंगा। अभी आपका मेल आईडी पे देखिए दोस्तों, आपका मेल आईडी पे एक ओटीपी चला गया, मैं आपके सामने दिखा हूँ। देखिए मेरा मेल आईडी मैं खोल देता हूँ, देखिए मेरा जीमेल खुल गया। चलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन दोस्तों आपको मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा, नो डाउट आपको कोई भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, मेरा आ गया। तो फ्रेंड देख लीजिए, मेल आईडी पे देखिए 0 से आ गया, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए मैं आपके सामने ओपन करके दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे एक ओटीपी आ गया। तो आपको क्या करना है, इस ओटीपी को कॉपी करना है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे ओटीपी को पेस्ट कर देता हूँ, चलिए पेस्ट कर देता हूँ। उसका कंटिन्यू करना पड़ेगा, देखिए आपको मेरा मेल आईडी दिखाई दे रहा है, उसका कंटिन्यू करना पड़ेगा। चलिए कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आ गया पैन का। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा, आपका पैन नंबर पुट करना पड़ेगा। मैं पैन नंबर पुट कर देता हूँ और सेकंड बाद आपको पैन नंबर पे जो डेट ऑफ बर्थ है उसको पुट करना पड़ेगा। चलिए मैं कर देता हूँ। देखिए फिर मैं आपके सामने मेरा पैन कार्ड का नंबर दे चुका हूँ, बैंक मेरा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे चुका हूँ और नीचे चेक बॉक्स यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। चलिए मैं आपके सामने दोस्तों सब कुछ, कोई भी नहीं छोड़ा, देखिए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाऊंगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। अभी आपको करना पड़ेगा पेमेंट। दोस्तों पेमेंट के अंदर अभी दोस्त फंड है, देखिए अगर आपको सिर्फ इक्विटी का अंदर, दोस्तों अगर आपको इक्विटी का अकाउंट खोलना है तो आप सिर्फ कम्युनिटी को छोड़ सकते हैं। कम्युनिटी को छोड़ेगा तो आपको क्या होगा, 100 रुपया कम लगेगा। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा, आप दोनों के अंदर अकाउंट ओपनिंग करके रखिए, क्योंकि इसमें आपका फायदा होने वाला है। दोनों के अंदर अकाउंट ओपनिंग करके रखेगा तो ज्यादा पैसे नहीं लगेगा। तब भी अगर आपको एक में करना है तो एक क्लिक करके रखिए। उसके बाद आपको पेमेंट मेथड बहुत ज्यादा है, यूपीआई के थ्रू कर सकता है, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकता है और आप कर सकते। चलिए तो मैं आपको सामने यहाँ भी पेमेंट करके दिखाऊंगा। चलिए फ्रेंड, मैं नेट बैंकिंग सिलेक्ट करने के बाद आपको जो भी करना है उसको सिलेक्ट करिए। देखिए दो ऑप्शन है, पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद पे टू कंटिन्यू कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास सामने एक विंडो खुल जाएगा, देखिए यहाँ पे बोल रहा है आपको कौन सा माध्यम से, मैं एक को करना है कार्ड से। अगर आपको कार्ड से करना है तो कार्ड पे क्लिक करिए। फ्रेंड कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपका कार्ड नंबर, एक्सपायर डेट, इसको देखिए सीवीवी नंबर आपको कहाँ मिलेगा, आपका जो एटीएम कार्ड का पीछे 3 डिजिट का नंबर मिलेगा, उस नंबर मांग लिया। तो पहले आपको देने का पड़ेगा कार्ड नंबर, एक्सपायर डेट, उसका सीवीवी नंबर देने का, आपको पे करना पड़ेगा। मैं दोस्तों इतना कुछ देने के बाद पे कर देता हूँ, आप ही करके पे करिए। तो फ्रेंड देखिए, मैं बोला कुछ भी स्किप नहीं करूंगा, देखिए सब कुछ आपके सामने आ गया। तो मैं मारने के बाद पे पे क्लिक करती हूँ। चलिए मेरा मेल आईडी बोल रहा वेरीफाई करने के लिए, सॉरी फॉर, मेरा मेल आईडी वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम चाहिए, मैं मेरा नाम दे देता हूँ। चलिए फ्रेंड देखिए, मेरा नाम दे चुका हूँ, अभी आपको पे टू क्लिक करना पड़ेगा। चलिए करने के बाद देखिए पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, मेरा मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को मैं यहाँ पे पुट करती हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा ओटीपी पुट कर चुका हूँ, अभी मेक पेमेंट। देखिए एक भी स्किप नहीं करूंगा दोस्तों, मैं आपको सब कुछ देखूंगा, सब कुछ।
आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी कनेक्ट टू डिजी लॉकर, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको अभी कनेक्ट टू डिजी लॉकर पे क्लिक करना पड़ेगा। चलिए आपके सामने मैं भी करके दिखा देता हूँ। तो पेमेंट हो गया हम लोग का, कनेक्ट टू डिजी लॉकर कर लेता है दोस्तों। चलिए अभी एंटर योर आधार नंबर, तो आधार नंबर मांग रहे, मैं आधार नंबर दे देता हूँ। आधार नंबर देने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मेरा आपके सामने आधार नंबर मैं पुट कर देता हूँ, आप देख लीजिए, नो डाउट। तो फ्रेंड देखिए आपके सामने मैं आधार नंबर दे चुका हूं, अभी नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा, कोई भी स्टेप आपको मैं सामने नहीं छोड़ूंगा। तो फ्रेंड देख लीजिए कनेक्ट टू डिजी लॉकर कर लीजिए। डिजी लॉकर के पास आपका एक अकाउंट होना चाहिए, तो कैसे डिजी लॉकर का खाता अंदर अकाउंट ओपनिंग करते हैं उसको भी आपको मैं दिखाऊंगा। चलिए यहाँ पे मैं मेरा आधार नंबर दे देता हूँ, उसके बाद डिजी लॉकर का देने के बाद मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने दोस्तों, चलिए आपके सामने इस ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको अलाउ कर दीजिए दोस्तों। अलाउ करने के बाद फ्रेंड, अलाउ करने के बाद आपको आधार कार्ड शेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्लिक किया है ऑलरेडी, आप शेयर पे क्लिक करिए। उसके बाद देखिए आपका सामने आ गया आपका डिटेल्स। उसके बाद देखिए नीचे स्क्रॉल करिए, आपके सामने देखिए अगर कुछ डिटेल्स मांग रहे दोस्तों। कुछ डिटेल्स देने के बाद आपके नीचे बैंक डिटेल्स मांग रहे दोस्तों। देखिए बैंक डिटेल्स देने के बाद कंटिन्यू करिए। उसका तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद आपका एनुअल इनकम कुछ भी दीजिए, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कुछ भी दीजिए, पॉलिटिकल एक्सपोज कुछ भी देने के बाद, योर ऑक्यूपेशन कम्युनिटी देने के बाद नीचे स्क्रॉल करिए। तो फ्रेंड देखिए नीचे ऑप्शन आ जाएगा, आप सबको क्लिक करिए, सब टिक मार्क कर दीजिए। मारने के बाद नीचे आपके पास जो कंटिन्यूअस का बटन है दोस्तों, कंटिन्यूअस पे क्लिक करिए। तो फ्रेंड देख सकते हैं आईपीपी का ऑप्शन आ गया। आपका बगल में जो लेखा दिखाई दे रहा है दोस्तों, सेम आप एक सादा कागज में लिखिए। लिखने के बाद सेम स्टाइल से आप वेबकैम को ऑन करिए, करने के बाद कैप्चर करिए। कैप्चर करने के बाद बगल में सेव आईपीपी का ऑप्शन आएगा, आईपीपी का ऑप्शन में क्लिक करिए। मैं कर लेता हूं। तो फ्रेंड देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन चला है दोस्तों। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो कंटिन्यू तो आधार कार्ड ही, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इस फॉर्म को फ्लैप करके आपको बैंगलोर के एक ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में, जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आपको सेंड करना पड़ेगा। मेरा आधार कार्ड के साथ फोन नंबर लिंक है, तो मैं यहाँ पे आधार को कंटिन्यू कर लेता हूँ। फ्रेंड देख सकते हैं यहीं पे आपके सामने आ गया। अभी जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपके पहले बोला था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर, सब एक एक करके आपको डाउनलोड यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको बैंक प्रूफ भी देना पड़ेगा, आप चाहे तो आपका चेक का कॉपी भी यहाँ पे दे सकते हैं, फोटो खींच के उसका दोस्तों। अगर आपके पास स्टेटमेंट है बैंक का वो भी दे सकते हैं, नहीं तो अगर आपका फ्रंट पेज का जेरॉक्स भी वो भी देख सकते हैं। मैं अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करिए। नीचे स्क्रॉल करने के बाद और दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको चाहिए, करंट सिग्नेचर मैं आपको बोला था ना, सादा कागज के ऊपर अपना सिग्नेचर करिए, उसको फोटो खींचिए, उसको इसको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। उसके बाद पैन कार्ड का भी एक फोटो खींच लीजिए। फोटो खींचने के बाद आप इसको अपलोड कर लीजिए। उसका दोस्तों नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, इक्विटी साइन टू इक्विटी की कम्युनिटी क्यों नहीं आया, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा हम लोग इनकम सर्टिफिकेट नहीं दिया है दोस्तों, और इसके चलते आया। तो साइन टू इक्विटी में आप क्लिक करिए। तो फ्रेंड देखिए इसके बाद आपका जो मेल आईडी उसको वेरिफिकेशन करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। आपका यहीं पे आपका नीचे कंटिन्यूअस करिए दोस्तों मेल आईडी। उसके बाद देखिए आपको मेल पे एक ओटीपी चला गया दोस्तों, उस ओटीपी देखे कंफर्म करिए दोस्तों। उसके बाद आपके पास इस पेज आ जाएगा, तो इस प्रोसेस आ जाएगा। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आधार नंबर देना पड़ेगा। देने के बाद दोस्तों आपको ओटीपी सेंड करना पड़ेगा। आधार कार्ड का जो मोबाइल नंबर लिंक है वहीं पे आपको यहाँ पे हेयर बाय भी क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाएगा, फिर एक ही काम आपको फिर एक बार मांगेगा आधार कार्ड, फिर आपके पास एक लिंक ओटीपी जाएगा, फिर उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको प्रोसेसिंग यहां पे कंप्लीट है दोस्तों। अभी क्या होगा, इसके बाद आपके पास क्या होगा, ये जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ करने का दरकार नहीं। कुछ टाइम के अंदर आपका मेल पे देखिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। उसके बाद उस यूजर नेम और पासवर्ड से आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट डे से दोस्तों। और यहाँ पे एक आपको नोमिनी का भी ऑप्शन मिल जाएगा, अगर थोड़ा सा देखिएगा तो आप चाहे तो आपका नोमिनी भी ऐड करके इसका एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं, आपको नोमिनी भी ऐड हो जाएगा दोस्तों। ये था आपके लिए कंप्लीट प्रोसेस। अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों मेरा नंबर आपको मिल गया था फर्स्ट ऑलरेडी, मैं जब पुट कर रहा था मेरा नंबर आप देख चुका दोस्तों, उस नंबर पे आप मेरे को कॉल करिए। कोई किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको निकाल के दे दूंगा। तो थैंक यू, बाय।